भारत सेवाश्रम संघ, ये नाम ही काफ़ी है अपने आप में इसके बारे में जानकारी देने के लिए। जहाँ बैठ के मैं बात कर रही हूँ, जो वीडियो क्लिपिंग्स आपको दिख रही है, वो इसी संघ के पूरी का एक रूम का वीडियो है। इस बार जब मैं पूरी गई थी सितंबर 2021 में, तब मैं यहीं पर ठहरी थी। ख़ास बात यह है कि यहाँ पे 350 रुपये में आप 4 लोग ठहर सकते हैं। बस 100 मीटर की दूरी पे समुंदर दिखाई देता है। उस दिन थोड़ा बादल छाया हुआ था, इसलिए मैं आपको साफ करके समुंदर दिखा नहीं पाई, पर दिखता है। आसपास में चाय के दुकान से लेके भोग प्रसाद के कूपन के बारे में मैंने इस वीडियो में बता के रखी हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मेरे गांधी पार्क वाला वीडियो में आपको इस बारे में जानकारी कुछ मिल जाएगी। संत आचार्य श्रीमद स्वामी प्रणवानंद महाराज जी द्वारा 1917 में स्थापित की गई इस संघ के पूरे भारत में ही कई रूम्स अवेलेबल है। और ख़ासकर मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक लेडी सोलो ट्रैवलर के तहत पर अकेली कहीं भी रुकना मेरे लिए उतना सही नहीं है जितना सिक्योरिटी मुझे इस आश्रम में मिलती है। तो फ्रेंड्स, बस 350 रुपये दे के 4 आदमी का रुकना और 50 रुपये में दोपहर का प्रसादी मिलना कोई नॉर्मल बात तो नहीं होगी। और यहाँ पे जो बंदा है वो आपके मांगने पर आपको 20 लीटर पानी का जार और उसके साथ पॉट भी दिलवा देता है, तो आपको पानी खरीद के ज़्यादा दाम में पीने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मेरे बाकी वीडियो में आपको आश्रम के बाहर का चाय का दुकान, मार्केट, स्वर्गद्वार रोड, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल ही जाएगी। आज खास करके हम लोग बात करेंगे इस आश्रम से मिले हुए प्रसादी के बारे में। मैं प्रसादी लेने के लिए जाऊंगी और सबके साथ बैठकर वो प्रसादी ग्रहण भी करूंगी। तो चलिए देखते हैं थोड़ा आश्रम के अंदर का दृश्य, मंदिर और साथ साथ प्रसादी लेने का सिस्टम और कहाँ जाके हमें प्रसादी ले सकते हैं उस जगह को। तब तक थोड़ा बहुत आश्रम की तस्वीरें। खाने के बाद बिल्कुल फ्रेश। अभी मैं जाऊंगी भोग प्रसाद खाने के लिए। भारत सेवाश्रम संघ में 50 रुपये का कूपन मिलता है, उसके बदले में प्रसादी मिलती है। 12 से 12:15 के बीच में जाने के लिए महाराज जी बोल चुके हैं, तो लगभग 12:15 होने वाला है। अब मैं नीचे जाऊंगी, प्रसादी लूंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी जगन्नाथ टेम्पल प्रसादी लेने के लिए। उस साइड में पहले मंजिल पर चढ़ना पड़ता है, जाकर देखते हैं। प्रसाद तो है, अच्छा प्रसाद अलग है।
या अंदर जाके फर्स्ट फ्लोर দাদা আলাদা লাইনের ব্যাপার আছে না এইটাই প্রসাদের স্থান এখানে হ্যাঁ ভালো को छोड़ के रूम के अंदर भी प्रसादी खिलाया जाता है অল্প দেখালাম প্রসাদ হিসাবে কিছু খেলাও যাবে না না পারবো না ये लोग थाली परोस तो देते हैं लेकिन झूठा थाली खुद को ही खाना पड़ता है थाली ले जाके खुद से ही धो के जमा कर देना दोपहर का प्रसादी लेना ख़त्म अब मैं जा रही हूँ जगन्नाथ टेम्पल देखते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिया अपने साथ अब एंट्री को लेके क्या चक्कर है क्या नहीं देखना पड़ेगा